मोहाडी उपनगरातील दंडेवाला बाबा नगरात पूर्व भवनातून 6 जणांनी दरोडा टाकला, घरावर दगडफेकी केली व घर सामानांची तोडफोड करून इंडिका गाडी जाळली. त्याचप्रमाणे 2 दुचाकीची तोडफोड करण्यात आली. या प्रसंगी मोहाडी पोलिसात गीता कौर, किस्मत सिंग भादा या महिलेने गुन्हा दाखल केलेला आहे. दिलेल्या माहितीनुसार मोहाडी उपनगर येथील दंडेवाला बाबा नगरातील राहुल गोस्वामी, मयूर आठवडे, गणेश जगताप, सागर धुमाळ, आकाश बोरसे या सर्व संशयितांनी दिनांक 2 मार्च रोजी रात्री 1 वाजेच्या सुमारास माझ्या घरावर यांनी हल्ला केला. त्यांच्या हातात लोखंडी रॉड, हातात काट्या होत्या. ते आल्या आल्या माझ्या घरावर दगडफेक करायला सुरुवात केली. तसेच त्यांनी आमची इंडिका कार MH14 AM 76 क्रमांकाची इंडिका गाडी पेट्रोल टाकून जाळली. तसेच 27,000 रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने हिसकावून घेतले. या घटनेमुळे आमच्या घरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. तरी सदर आरोपींवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सदर पीडित महिलेने प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना आपली प्रतिक्रिया दिली. किस्मत सिंग राम सिंग भादा बोल रहा है. सर देखो, ये मेरी गाड़ी जला, ये राहुल मिंट के आदमी लोगों ने, राहुल मिंट के आदमी लोग आए रात को 1:30 बजे, उन्होंने आके मेरे घर पे हमला किया, मेरा दरवाजा तोड़ा. दरवाजा तोड़ने के बाद में मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मेरे बच्चे लोग पीछे के दरवाजे से भागे. आते ही उन्होंने पूछा किस्मत किधर है. पूछने के बाद में उन्होंने कपाट खोला, कपाट में से सोना निकाल के लेके गए सर. और सोना निकालने के बाद में उन्होंने मेरे गाड़ी वीड़ी जला दी. जलाने के बाद में वो सामने गए, सामने उन्होंने और 2-3 गाड़ियाँ फोड़े और जय माकाल चिल्ला रहे थे. उसमें राहुल मिंड और टेंगो बम लेके आए थे, वो टेंगो बम डाल रहे थे घर में. तो मेरी बीवी, मेरे बाल बच्चे लोग भागे, मेरी छोटी लड़की दरवाज़ा पीछे का खोल के भागी. घर पर मैं नहीं था, मेरे आने तक का पूरा जला दिया. फिर मैं गया रोड पर, उनके पीछे तलवार लेके गया. उसने वहाँ पर मेरे ऊपर फायरिंग करी रोड पर राहुल मिंड ने. राहुल मिंड बोले किस्मत को ही मारने का, बोले बाकी किसको मारने का नहीं, बोले उसका अपने घर लूट लिया, ये बहुत हो गया. बोले अपने को पैसे मिल गए, ये बहुत हो गया. बोले फिर उसने मेरे से फायरिंग करी. फायरिंग की आवाज़ सुन के फिर गली वाले सब आए, बाया लोग, ये लोग कोई डंडे पाइप ले लेके. उनका इतना आतंक मच गया इधर मवाड़ी में. ये झगड़ा 6 महीने से है.